जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, यहाँ पर मैं एक गलती मेंशन करने लगा हूँ कि गाड़ी जो कुछ स्टूडेंट होते हैं वो गाड़ी स्ट्रेट नहीं रख सकते, मिडल ऑफ द रोड नहीं रख सकते। उसकी तीन वजूहत होती हैं। एक वजह तो होती है कि स्टीयरिंग को सख्ती से पकड़ना, स्टीयरिंग को बहुत ज़्यादा सख्त पकड़ते हैं, एक बड़ी रीज़न ये होती है। दूसरी रीज़न ये होती है कि वो करीब देखते हैं, मतलब रोड के बिल्कुल साथ देखते हैं। तीसरी वजह यह होती है कि वो साइड मिरर को देखते रहते हैं कि मेरी गाड़ी लेफ़्ट साइड पे लाइन के किस तरफ है। ज़्यादातर साइड मिरर को देखते हैं, जिसकी वजह से गाड़ी उनकी ज़्यादातर पुल हो जाती है लेफ़्ट साइड पे। तो इसका हल ये है कि आप गाड़ी को चलाएं लेकिन दूर तक देखें। जैसे ये अभी निसान पेट्रोल गाड़ी जा रही है वाइट कलर की, इतनी दूर देखें या इससे भी ज़्यादा दूर देखें। तो ये आदत बनाएंगे, प्रैक्टिस से आपकी गाड़ी स्ट्रेट हो जाएगी, यानी सीधा चलेगी। और ये जो लाइंस हैं दो, एक येलो और ये लेफ्ट साइड पे सेंटर लाइन है, ये आपकी आंखों से नीचे से गुजरेगी लेकिन आपकी नज़र सामने होगी, दूर तक होगी। तो कुछ प्रैक्टिस करने के बाद आपकी गाड़ी स्ट्रेट हो जाएगी। एक तो स्टीयरिंग को सख्ती से ना पकड़ें, बिल्कुल हल्के तरीके से पकड़ें, यानी इसको ज़ोर से नहीं पकड़ना, हाथ सिर्फ रखना है, स्टीयरिंग को सख्ती से नहीं पकड़ना। और साइड मिरर को ज़्यादा नहीं देखना, आपने मोस्टली सेंटर मिरर को देखना है जब आप गाड़ी स्ट्रेट चला रहे हैं। सेंटर मिरर को ज़्यादा देखें, साइड मिरर को उस सूरत में यूज़ करना है जब आप लाइन चेंज करना है, अदरवाइज़ देखने की ज़रूरत नहीं होती। मोस्टली स्टूडेंट जो होते हैं वो ज़्यादातर साइड मिरर को देखते रहते हैं। आप लोग सेंटर मिरर को ज़्यादा देखें। थैंक यू वेरी मच।